क्या गूगल अर्थ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर की तरफ देख के हाथ हिलाएं या फिर कोई मैसेज अपने बोर्ड पे लेके खड़े हो जाएं तो वो चीज वहां पे अपडेट हो जाए या फिर आपका फोटो वहां पे खिंच जाए, या फिर ये कह लें कि गूगल अर्थ कब कब अपडेट होता है, कितना टाइम ले रहा है ये अपडेट होने में। ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में और आपका समय यहां पे कम से कम वेस्ट हो इस बात का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा है मैंने और इसीलिए ये वीडियो काफी शॉर्ट रहेगा। गूगल अर्थ के अंदर आप घर बैठे बैठे बहुत से जगह पे घूम पाते हैं, चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो या फिर आप एक स्ट्रीट व्यू वहां पे देख पाते हैं। अगर कोई एरिया पे 3D में अवेलेबल है गूगल अर्थ के अंदर तो वहां पे आप 3D पर्सपेक्टिव में उस एरिया को देख पाएंगे। गूगल अर्थ थोड़ा सा अलग है गूगल मैप से, क्योंकि गूगल मैप के अंदर आप रास्ता ढूंढते हैं और गूगल अर्थ के अंदर आप एक तरह से किसी भी जगह का वर्चुअल टूर लेते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। टूर होता है या फिर टूर होता है? टूर होता है, जो भी है, मतलब आप किसी जगह पे घूम लेते हैं वर्चुअली। जानते हैं यहाँ पे गूगल अर्थ के थोड़े से हिस्ट्री को, लेकिन इसको स्किप भी किया जा सकता है। खैर, हिस्ट्री को छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये बात करते हैं कि गूगल अर्थ के अंदर 3 तरीके से इमेज को कैप्चर किया जाता है। पहला सैटेलाइट, दूसरा एरियल और तीसरा आपको स्ट्रीट के अंदर कैप्चर किया जाता है। अगर बात कर ले सैटेलाइट के तो यहाँ पे आपको 2D इमेज कैप्चर किया जाता है। एरियल यानी कि किसी भी फ्लाइट को ऊपर से भेज के जिस जगह का इमेज कैप्चर किया जाता है वो आपको 3D में होता है। और अगर स्ट्रीट की बात कर ले तो एक यहाँ पे कार के ऊपर कैमरे को लगा के लिटरली उस कार को स्ट्रीट के अंदर भेजा जाता है ताकि वहाँ का इमेज कैप्चर किया जा सके। और ये जो एरियल इमेज कैप्चरिंग है ये शायद मैंने लाइडार वाले वीडियो में बताया है, और हाँ मैंने बताया उस वीडियो में, आप यहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी 3D इमेजिंग को लेकर। गूगल अर्थ के अंदर आप किसी भी प्लेस का इमेज देखते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल मतलब मिलियंस ऑफ इमेज को यहाँ पे स्टिच किया जाता है, मतलब कि जोड़ा जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा एक स्फेरिकल फोटो लिया गया है, स्फेरिकल इमेज यहाँ पे कैप्चर किया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे लाखों फोटोज लिए जाते हैं, वो भी यहाँ पे गूगल अकेला काम नहीं करता, यहाँ पे थर्ड पार्टीज की बहुत ज्यादा हेल्प ली जाती है। और आप ये देख भी सकते हैं जैसे कि गूगल अर्थ यहाँ पे खुला हुआ है और अगर मैं जयपुर के अंदर जा रहा हूँ गूगल अर्थ के अंदर और यहाँ पे आपको बॉटम साइड में बॉटम लेफ्ट साइड में इस जगह का इमेज कैप्चर कौन सी कंपनी ने किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, या फिर मैं यहाँ से जयपुर से सीधा चेन्नई के अंदर चला गया तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम यहाँ पे दिखेगा, या फिर चलते हैं कोलंबो श्रीलंका की तरफ तो यहाँ पे आपको फिर से किसने इस इमेज को कैप्चर किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आते हैं इस वीडियो के सवाल के जवाब पे कि क्या आप अपने अगर होल्डिंग को किसी भी मैसेज को हाथ में लेके ऊपर की तरफ खड़े होते हैं तो क्या वो लाइव अपडेट हो जाएगा, क्योंकि गूगल बहुत ज्यादा डिपेंड है थर्ड पार्टी इमेज कैप्चरिंग कंपनीज के ऊपर तो यहाँ पे लाइव अपडेट नहीं होता है। और भी यहाँ पे बहुत से फैक्टर हैं, अभी वीडियो ये खत्म हुआ नहीं है। यहाँ पे बात आती है लोकेशन की, अगर कोई बहुत ही फेमस एरिया है या फिर आप कह ले कोई अर्बन एरिया है या फिर कोई बहुत ही पॉपुलर एरिया है या फिर कोई ऐसा एरिया जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीपल पीपल्स का, बहुत से लोगों का, तो यहाँ पे आपको अपडेट ज्यादा ज्यादा जल्दी मतलब ज्यादा जल्दी देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काफी ज्यादा होती है अगर आप कंपेयर कर ले कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे कि बहुत से लोग नहीं रहते हैं या फिर जिसे बहुत से लोग सर्च नहीं करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क के इमेजेज ज्यादा जल्दी जल्दी अपडेट होते रहते हैं, या फिर किसी भी बड़े शहर या सिटी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको इमेज अपडेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको काफी ज्यादा होती है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए, इन सारे इमेज कैप्चरिंग के लिए गवर्नमेंट का परमिशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से यहाँ पे अगला पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, बहुत से नो फ्लाई जोन्स हैं और इंटेलिजेंस की वजह से या फिर कह ले तो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया के अंदर इमेज कैप्चरिंग की मनाही होती है, वहां पे इमेज कैप्चर करने की परमिशन नहीं दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पे आपको या तो बहुत पुराना कैप्चर दिखेगा या फिर वहां पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा, एक और बात जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है पैसा और समय। कंपनी चाहती है कि पैसा भी बचे और समय भी बचे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो आपको होता है एरियल मतलब किसी भी फ्लाइट को ऊपर से भेजा जाता है और वो इमेज कैप्चर करता है, और दूसरा होता है सैटेलाइट। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज ये समझ लीजिए कि जब भी आपको बहुत ज्यादा क्लियर इमेज दिख रही हो आपके कार की, आपके घर का, तो आप समझ लीजिए कि ये आपको किसी फ्लाइट से लिया गया है, और अगर आपको थोड़ा सा ब्लरी इमेज दिख रहा हो तो आप समझिए कि ये सैटेलाइट से लिया गया है। तो यहाँ पे समय और पैसे की मैं बात कर रहा था, तो अगर यहाँ पे फ्लाइट आपके घर के ऊपर से गुजरता है और वहां का इमेज कैप्चर करता है तो यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो गूगल चाहता है कि जो एरिया बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जैसा कि मैं लोकेशन के अंदर बात कर रहा था, तो वहां का अपडेट जो है वो सैटेलाइट की हेल्प से हो। और इसी के अंदर एक अगला पॉइंट आता है मौसम का, यानी कि वेदर का। तो अगर किसी भी एरिया के अंदर बादल है और ज्यादातर वहां पे बादल रहता ही है तो गूगल को यहाँ पे बहुत ज्यादा या फिर जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो इमेज कैप्चर करती हैं उनको यहाँ पे बैठना पड़ता है, मतलब कि वेट करना पड़ता है बादल के हटने का, तो फिर वहां का इमेज कैप्चर हो पाता है ताकि वहां पे आपको एक साफ साफ उस एरिया को
देख पाए। अच्छा, एक और लास्ट चीज, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक एरिया अपडेट कर दिया जाए गूगल की तरफ से, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपको गूगल अर्थ के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा होगा, ये समय के साथ हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन प्रोसेस इससे मिलता जुलता ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जिसे कि हैमबर्गर मेन्यू बोला जाता है, इसके अंदर आपको दिखेगा फीडबैक, और फीडबैक के अंदर आपको यहाँ पे अपनी भाषा में लिख देना है कि आप यहाँ पे इमेज का अपडेशन चाहते हैं, या फिर उस एरिया के इमेज को अपडेट करने के लिए आप गूगल से डिमांड कर सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ पे लिखा गया है आप वही चीज वहां पे चिपका सकते हैं। तो हो सकता है कि वहां पे उस एरिया का इमेज अपडेट कर दिया जाए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका बहुत ज्यादा समय यहाँ पे बर्बाद भी नहीं हुआ होगा और आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power.